तो दोस्तों हाजिर हूं मैं आपका दोस्त इंद्रजीत इस हफ्ते की वॉचलिस्ट लेकर, यानी कि वीकली डेटशीट लेकर। तो इस हफ्ते में जो भी कंटेंट आने वाला है, वेदर इन थिएटर्स और ओटीटी या बड़ा जो भी कंटेंट जहां पर भी आने वाला है, उन सब के बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सो कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं भी और जाकर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जो भी कंटेंट मैं बताऊंगा उसमें से अपना फेवरेट चुनिए और देखिए और हमें भी बताइए कि देखना चाहिए या नहीं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की वॉचलिस्ट के साथ। और यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आ रही है, दैट इज़ अ रिलीजियस वेब सीरीज सबका साई। इस एन एम एक्स ओरिजिनल वेब सीरीज टेलीविजन पर भी आज से कुछ साल पहले ऐसा ही एक शो चला था साई के ऊपर, और वो काफ़ी हिट रहा, काफ़ी पॉपुलर रहा। सो शायद मेकर्स ने यही सोचकर कि साई के बारे में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया कि ओटीटी की जनता देख सके। तो अगर आप मतलब एक रिलीजियस कंटेंट देखना पसंद करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अ फैमिली वॉच, तो आपके लिए 26 तारीख को दोस्तों एम एक्स प्लेयर के ऊपर आ रही है सबका साई, एक वेब सीरीज। तो अच्छा खासा टाइम भी आपका पास हो जाएगा इसके साथ, और क्योंकि एम एक्स प्लेयर पर है तो बिल्कुल फ्री है। सो गाइज नाउ कम टू द बिग डे विच इज ऑफ कोर्स फ्राइडे, हमेशा फ्राइडे ही होता है 27। तो यहाँ पर थिएटर में भी एक बहुत अच्छी फिल्म लगने वाली है और ओटीटी पर भी बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। स्टार्ट मैं करूंगा इंजीनियरिंग गर्ल्स 2.0। मैंने पहला सीजन भी नहीं देखा था इसका, अगेन नाम से ही पता लग रहा है, टाइटल से ही पता लग रहा है, अ क्रिएशन ऑफ TVF। मैंने पहला सीजन नहीं देखा था इसका, बट दिस सीजन इज गोइंग टू बी प्रीमियर्ड ऑन Z5 ऑन 27। ट्रेलर इसका आ चुका है, अक्सर वैसा ही कंटेंट है जैसे TVF लेकर आता है। सो गाइज इंजीनियरिंग गर्ल्स 2.0 Z5 के ऊपर आपको 27 तारीख को देखने को मिलेगा। सो गाइज नाउ कम टू द बिग थिंग द एम्पायर, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस हॉटस्टार वेब शो जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आप फ्राइडे को देखने को मिलेगा। एंड स्टार कास्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देन इट्स कुणाल कपूर, आदित्य सिंह उनके बेटे के कैरेक्टर में है, दृष्टि दामी, दीनू मोरे आफ्टर सो लॉन्ग एंड एज एन एंटेगनिस्ट। उनके अलावा शबाना आजमी जी भी हैं यहाँ पर, राहुल देव हैं यहाँ पर, और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है इसकी। तो द एम्पायर एक बहुत बड़ी सीरीज है दोस्तों, इस अ पीरियड हिस्टोरिकल सीरीज जहाँ पर आपको मुगल भारत के अंदर कैसे आए, कब आए, कितने साल उन्होंने राज किया और उसके बाद कब वो गए, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक का सफर हमें इस मल्टी सीजन वेब शो के अंदर देखने को मिलने वाला है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चल रही है ये, आप मेरा इशारा समझ सकते हैं कि क्यों कॉन्ट्रोवर्सी में होगी ये सीरीज, क्योंकि मैंने जब इसका ट्रेलर रिएक्शन किया था तो आप देख सकते हैं उस ट्रेलर रिएक्शन के नीचे कि कितने सारे कमेंट्स आए हैं और कितनी बहुत ज़्यादा हेट है वहाँ पर। बट फिर भी मैं इसे जरूर देखूंगा क्योंकि यार कंटेंट होता है, और मेरी हिस्ट्री काफ़ी वीक थी। सो मुझे जानना है कि कैसे मुगल आए और उन्होंने कैसे राज किया, क्योंकि कुछ एक बहुत बेकार शासक थे, कुछ एक बहुत तानाशाह थे उनके शासक थे, जो बट कुछ एक जो उनके शासक थे वो हमारे फेवर में भी थे, वो ठीक भी थे हमारे लिए। तो वह सब मुझे जानना है कि कौन अच्छा था, कौन बुरा था, और किसने क्या क्या कब कब किया। सो गाइज द एम्पायर 27 तारीख को आएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP के ऊपर। सो नाउ कम टू द लास्ट एंड द ओनली कंटेंट जो थिएटर्स में आ रहा है इस वीक, इस फिल्म चेहरे, स्टारिंग इमरान हाशमी, अमिताभ बच्चन जी, अनु कपूर जी, रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टल डिसूजा, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है रूमी जाफरी ने, जिनका एज अ डायरेक्टर एंड राइटर कोई खास करियर रहा नहीं बॉलीवुड के अंदर, बट इस फिल्म से मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा कमबैक करने वाले हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि ये फिल्म यार पिछले 1.5 साल से ना थिएटर्स के अंदर लगने को ही तैयार है, जब भी लॉकडाउन खुला है, चाहे वो हफ्ते के लिए चाहे 10 दिन के लिए। सो इस फिल्म की रिलीज डेट आ जाती थी सिनेमा के अंदर, फिर लॉकडाउन लग जाता रहा तो ये फिल्म नहीं आ पाई। कहने का मतलब है कि मेकर्स किसी भी हालत में तैयार नहीं है इसे OTT पर लाने के लिए। तो इसका मतलब फिल्म के अंदर डेफिनेटली कुछ बड़ा है, क्योंकि रूमी जाफरी का करियर डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस 27 तारीख को ही चेहरे आने वाली है थिएटर के अंदर। इवन आई एम कन्फ्यूज, मुझे द एम्पायर भी देखनी है, मुझे चेहरे भी देखनी है, और ये दोनों ही चीज़ें हैं इस हफ्ते में जो मुझे देखनी है, और ये दोनों ही सेम डे आ रही हैं। सो डोंट नो हाउ आई विल मैनेज, बट आई डेफिनेटली वॉच बोथ ऑफ देम, और आपके सामने इसका रिव्यू भी लेकर आऊँगा, भले ही आगे पीछे हो जाए बट डेफिनेटली लेकर आऊँगा। सो गाइस ये थी इस हफ्ते की वॉचलिस्ट। अगर मैं रीकैप में बताऊँ आपको, तो 26 तारीख को एम एक्स प्लेयर के ऊपर सबका साई, एक रिलीजियस वेब शो आ रहा है जो आप सबके साथ देख सकते हैं। 27 तारीख को तीन चीज़ें आ रही हैं, Z5 के ऊपर आ रही है इंजीनियरिंग गर्ल 2.0 क्रिएटेड बाय TVF, 27 को ही द एम्पायर आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, और 27 को ही थिएटर्स के अंदर आ रही है चेहरे। सो गाइज ये था इस हफ्ते का कंटेंट। आई गेस कि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, इफ़ यू रियली लाइक इट, तो ये कंटेंट शेयर करने वाला होता है, आप भी शेयर कीजिए, आपके दोस्तों तक पहुंचाइए कि इस हफ्ते में क्या आने वाला है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की वीकली वॉचलिस्ट के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, सीरीज, ट्रेलर, टीजर, रिएक्शन सब के लिए। सो गाइज यही था फिलहाल, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।